गाइस यहाँ पे लॉबी में एक लड़की थी जो हमको बोले थे कि हमको यहाँ पे इसने पिछले मैच में बहुत बुरी तरह से मारा है, जो कि उल्टा हुआ था इसका। दो बंदे यहाँ पे जोर के बाहर में मार चुका था और इनको जोर से डैमेज हो रखा था और मैंने भी थोड़ा बहुत डैमेज दिया था। तो एक को नॉक किया और यहाँ पे दो से बंदे कुछ इस तरह से यहाँ पे पहले मैच में इनको पीटा गया था और अब यहाँ पे दो से मैच का देखो मार पाते सो गाइस आज के इस कैंपेन में बहुत ज़्यादा मज़ा आने वाले, जैसे कि आप लोगों ने स्टार्टिंग में सुनी लिया कि हम लोगों को यहाँ पे एक लड़की की तरफ से चैलेंज मिला है कि देखते हैं कौन किसको मारता है। वैसे स्टार्टिंग से थोड़ा सा पहले स्टार्ट हो जाता ना, तो उसके अलावा उसने और भी कुछ कुछ बोला था जो कि स्टार्ट नहीं हो पाया रिकॉर्डिंग। सो जितना है उतना ही चलो वहाँ पर काम चल जाएगा। यहाँ पर मैं उतरते जल्दी जल्दी यहाँ पर गन वन लूटा नहीं और देखो फिर यहाँ पर दो तीन मिल गए थे जिनको मैं यहाँ पर मारने लग गया था। फिर मैंने सोचा लूट तो किया ही नहीं है क्योंकि उसमें सिर्फ वही लड़कियों की स्क्वाड नहीं, ऊपर से अपना टीममेट भी कैंस भी जो था उसी के साथ में खेल रहा है। पार्टी बदल लिया साला। सो कैसे यहाँ पर मेरे पास कुछ खास लूट नहीं है और यहाँ पे बंदे देखो काफ़ी सारे फुटस्टेप आए जा रही है, तो मेरे को यहाँ पे गन चाहिए थी असॉल्ट में लेकिन मेरे को कुछ भी मिल नहीं रही थी आसपास। मैंने जा रही जगह चेक करी और यहाँ पे देखो क्रेट लूटने के लिए आया था, तब तक टीममेट ने सारा का सारा खाली कर दिया। तो मैंने सोचा चलो एक यूज़ी मिल रही थी तो इसको तब तक के लिए रख लेते हैं, जब बाकी दूसरी गन मिलेगी तो देखा जाएगा। और बंदा थोड़ा बहुत टीममेट से डैमेज होकर के ऊपर गया और ऊपर से नॉक होकर के वापस से नीचे आया, तो इसके किल मैं यहाँ पे इजीली चोरी करता हूँ। और इसमें भी बस स्नाइपर पड़ी थी और एक ख़राब सी एसएमजी। ये तो गाइस यहाँ पे जस्ट मैं ही गया ना, मेरे को लगा टीममेट है और उसने भी मेरे को कुछ डैमेज नहीं दिया था तो मैंने भी छोड़ दिया। बाद में टीममेट से पता चला उसके पास ब्लू वाली है, तो अभी उसके पीछे हम लोग पड़े ही हुए थे। तब तक यहाँ पे कुणाल पे पूरी स्क्वाड उसे लड़के की रश कर देती है और उन लोगों ने उसको मार दिया। तो भाई मैंने यहाँ पे डायरेक्ट पुश कर दिया और मैंने और टीममेट जो मेरा एक बचा हुआ था हैश, तो उससे बोला कि मेरे पीछे पीछे आ जा, लेकिन मेरे को लगा वो मैगी मारने भाग गया भाई। मैं अकेला इधर घुस गया हूँ और डैमेज भी दे रखा था, एबिलिटी भी फेंकी थी और डैमेज दो बंदों को यहाँ पे इजीली डैमेज देता हूँ और ये देखो तीसरे बंदे को एम के आर की एबिलिटी यूज़ कर देता है। तो यहाँ पे दो बंदों को तो मैंने बहुत बुरा डैमेज दे रखा था, अभी देखो क्या होता है। यहाँ पे मैं इसको भी डैमेज देता हूँ यूएमपी से और मेरी गन की उसकी रिलोड आ गई थी और उसकी स्नाइपर मारता हूँ, लेकिन यार किस्मत ख़राब थी मैंने इसको भी ध्यान नहीं दिया था, ये भी रिलोड आ गई थी। बस यार रिलोड नहीं आती तो मैं इसको भी आराम से मार दिया होता। तो यहाँ मैं टीममेट लोगों से बोलता हूँ कि पुश कर दो, मैंने तीन लोगों को डैमेज दे रखा। तो अभी देखो यहाँ पे एक बंदा यहाँ पे अपना पुश करता है और उसी को मारता है जिसको मैं अभी जस्ट डैमेज दे करके मरा हुआ था, तो इसकी एबिलिटी उसने ब्लॉक करी और इसे जिसको नॉक कर दिया। तो जिसको नॉक किया था उसी लड़के को वापस इसने फिनिश कर दिया और ये बंदा और आ गया है। तो इस बंदे को यहाँ पर अच्छा खासा टीममेट डैमेज देता है लेकिन इसको भी थोड़ा बहुत डैमेज हो गया था। अभी मैं बोल रहा था कि कवर में चले जाओ, तो अभी देखते हैं क्या होता है। मैं बोल रहा था कि वो एक बंदा रिवाइव दे, तो एक बंदा फाइट लो एक बंदा रिवाइव दो, तो अभी यहाँ पे एक कवर में जा रहे हील करने के बाद आएगा। सो कुणाल देखो यहाँ पे फाइट कर रहे हैं, मैंने पूरा कुणाल से बोला कि तू यहाँ पे कवर में आ जाओ तब तक ये फाइट कर लेगा। सो यहाँ पे एक बंदा डैमेज हो रखा था, ये वही लड़की थी, वापस इसको नॉक किया और अभी कुणाल का मैंने बोल ही दिया था रिवाइव देगा तो ये बंदा फाइट लेगा और कुणाल मेरे को पीछे की तरफ से जा करके रिवाइव देना स्टार्ट कर दिया था। सो यहाँ पे देखो ये बंदा नॉक हो जाता है, कोई बात नहीं। सो अभी मैं यहाँ पे रिवाइव होकर के वापस आता हूँ, मेरी क्रेट के पास एक बंदा आता है तो इसको यहाँ पे मैं इजीली नॉक करता हूँ और साथ ही साथ फिनिश कर देता हूँ। और अभी मेरे को यहाँ पे असॉल्ट राइफल मेरे को मिल चुकी थी, तो अब आने वाला है मज़ा। देखो सामने तरफ एक बंदा जस्ट गया है जो कि टीममेट को डैमेज दे रहा था अपनी एबिलिटी से, इसको नॉक किया और साथ साथ इसको कर दिया फिनिश। और अभी पीछे की तरफ से मेरे को और भी साउंड आ रही है, सबसे पहले तो सामने घर की तरफ एक बंदा मेरे को देखा जो कि टीममेट उस पर पुश करते हैं और मैं यहाँ पे दूसरी तरफ से आता हूँ। तो बंदा ये देखो कोने में आकर के हीलिंग वीलिंग लगा रहा है, तो इसके लिए वहाँ पर मैं इजीली नॉक करता हूँ और फिनिश भी कर दिया जाता है साथ साथ। और अब मैंने बोला कि टीममेट लोगों को चलो यार उनको रिवाइव होने का मौका देते, सिर्फ कैंस बचा हुआ था आई थिंक। सो यहाँ पर मैं कोने में बैठा हुआ था और ये देखो मेरा पिंग इशू भी हो रहा है, इसी वजह से कभी कभी यहाँ पर डैमेज कनेक्ट नहीं हो रहा था। तो बंदा मेरे को एक सामने की तरफ दिखा था जो कि कैंस था, जो कि कुणाल को यहाँ पर नॉक कर देता है। मैं पुश करता हूँ, अच्छा खासा डैमेज दिया और यहाँ पे वो भाग चुका था कवर में, लेकिन फिर भी उसकी दो चार स्पी बस बची है। सो यहाँ पे कोने में था, जैसे ही इधर आता है टीममेट मेरा उसको नॉक करता है और हम लोग इसको कर देते हैं यहाँ पे फिनिश। तो अभी चलो टीममेट को रिवाइव दे दिया जाएगा और मैं बस वेट कर रहा हूँ कि इसके और भी बंदे रिवाइव होकर के कब आते हैं। सो यहाँ पे सामने तरफ भी कुछ बंदे थे, देखो फिर से फाइट हो गई है, एक को यहाँ पे नॉक करता हूँ और दूसरे बंदे के यहाँ पे फिर से पा रही थी इधर से, ये देखो मोटी डक साइड, तो इसको भी नॉक किया, साथ साथ दोनों को फिनिश किया जाता है।
और दूसरी तरफ से कैंस हमको डैमेज देने की कोशिश कर रहा था। सो मैंने बोला कि यहाँ पे पहले आ जाओ कवर में, उसको रिवाइव देने दो और मैं यहाँ पे तुमको रिवाइव दे देता हूँ। तो यहाँ मैं टीममेट को पहले यहाँ पर रिवाइव देता हूँ। सामने की तरफ जो बंदा था वो कवर में भाग चुका है और एक पीछे की तरफ गाड़ी आई थी। जस्ट ये देखो, एक को डैमेज देता हूँ और यहाँ पे जेट पैक यूज़ करता हूँ। दूसरे को भी यहाँ पे शील्ड विल तोड़ देता हूँ और अभी मैं कर देता हूँ पुश और दूसरी तरफ से मेरा टीममेट पुश करता है। पहले तो मेरे को लगा कि ये वही लोग होंगे क्योंकि भाई इसमें भी MKR था, लेकिन यार ये कोई और ही स्क्वाड थी। सो यहाँ मैं एबिलिटी यूज़ करके देखो, एक यहाँ पे शील्ड विल डैमेज कर दी, लेकिन भाई दूसरा बंदा था उसने टीममेट को नॉक कर दिया। सो अभी देखो उस पर पुश किया जाएगा। ये नीचे था बंदा, इसको यहाँ पर इजीली डैमेज देता हूँ, नॉक एंड फिनिश। काफ़ी ज़्यादा लेट डैमेज हो रहा है भाई। सो अभी टीममेट को रिवाइव देने जा रहा था, तब तक ये बंदा रिस्पॉन होकर के आ चुका था वापस से। तो यहाँ पे वापस से इसको मारते हैं। सो इसको यहाँ पे मैं इजीली नॉक एंड फिनिश कर दिया और अभी चलो टीममेट को रिवाइव दे दिया जाए। अभी रिवाइव देने जा ही रहा था तब तक मेरे को एक बाइक की आवाज़ आई। सो बाइक वाले को भी मैंने सोचा कि पहले मार लेते हैं। सो इसको भी यहाँ पे इजीली मारा और यहाँ पे मैं आ जाता हूँ टीममेट को रिवाइव देने। सो इसको यहाँ पे इजीली रिवाइव भी दे देता हूँ और मेरा जो दूसरा टीममेट था वो अकेला यहाँ पे फंस गया था, जिसको कैंस ने नॉक कर दिया। अभी चलो अभी पुश किया जाएगा। मेरे को यहाँ पे क्रेबी मिल गई थी, मैंने सोचा क्रेबी से मारूंगा, फिर मैंने बोला कि चलो यार उतर के मारूंगा। देखो सामने बंदे हैं, एक को डैमेज दिया था क्रेबी से और यहाँ पे एबिलिटी इन लोगों को ब्लॉक कर दी। ये देखो सामने दिख गया बंदा, जो कि मेरे को पता चल गया था ये कैंस है। तो मैंने टीममेट को बोला कि इसके अंदर घुसा हुआ है, तुम तब तक उसे देखो, तब तक मैं जो आसपास में दो दूसरे बंदे मैं उनको देखता हूँ। लेकिन फिर मेरे को देखा कि यहाँ पे काफ़ी सारे फुट से पा रहे, तो मैंने बोला कि चलो पुश कर ही देता हूँ मैं भी। एक को टीममेट जस्ट नॉक करता है और दूसरा वाला जो केंस था वो भाई अभी देखो ये उस पर पुश किया, उधर से टीममेट डैमेज था, लेकिन मैंने उसको अच्छा खासा भी डैमेज दे रखा है। और इसने भागने की पूरी कोशिश करी, लेकिन मैं इसको यहाँ पर मार ही देता हूँ। और अभी देखो पूरी यहाँ पे उसकी स्कॉट बेबी गर्ल जो भी थी लड़की, उसकी पूरी स्कॉट अभी हम यहाँ पे मेरे को एक्सपेक्टेड कर रही थी। तो यहाँ पे इन लोगों ने एक दूसरे के साथ थोड़ा बहुत मजाक उजाक किया और यहाँ पे एक वोट मेरे को दिखा, यहाँ पे इजिली मारता हूँ। और बस अभी यहाँ पे एक स्कॉट बची थी जिसमें से बस दो ही बंदे बचे थे। तो सामने तरफ बंदे दिख गए थे, इसमें से एक को टीममेट ने नॉक किया और यहाँ पे मैं दूसरी तरफ से पुश करता हूँ। यहाँ पे एबिलिटी फेंकता हूँ, ये देखो बंदे की एबिलिटी मेरे को दिख गई थी इसलिए मैं गया नहीं, जैसे मेरी एबिलिटी यूज़ हो गई। अब मैं यहाँ पर पुश करता हूँ, डैमेज हो रखा था बंदा, थोड़ा सा डैमेज दिया और यहाँ पे इजीली नॉक एंड फिनिश। सो गाइस गेम प्ले पसंद आया वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब भी कर दीजिएगा और वीडियो को शेयर कर दीजिएगा।